अच्छा जी, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। तो एक आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? यस सर। अभी ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया था, राइट? अच्छा, इसको अभी भी अगर कोई स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए तो वो दोबारा देखेंगे। हमने थोड़ा सा इसका दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने देखी है वो ये देखी है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक किस तरीके से और फ्लोटिंग हमारे पास वैल्यूज हों तो उसको हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर यानी कि ई ए एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है? इसके लिए हमारे पास एफ पी यू स्टैक होता है पहले से मौजूद। एफ पी यू स्टैक को हम किस तरीके से, हमने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख ली कि इस तरीके का एक स्टैक क्रिएट हो जाता है, ठीक है? जब भी हम कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज़ कर रहे हो, ठीक है? और अगर हमने कोई भी स्टैक के अंदर जाहिर है हम वैल्यूज़ को लोड करते हैं या पुश करते हैं, तो पुश करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है एफ एल डी का। एफ एल डी क्या करता है, लोड कर देता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को, पुश कर देता है और स्टैक नंबर स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर पुश कर देता है। सेकंड वैल्यू पुश करते हैं तो वही आपकी जो पहली वैल्यू थी वो आगे के इंडेक्स पे यानी स्टैक जीरो से स्टैक वन पे चली जाती है और जो नई वैल्यू है वो स्टैक जीरो पे आ जाती है। तो हर एफ एल डी के ऊपर स्टैक जीरो की वैल्यू अपडेट होती रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर हमने ये देखा है कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी हैं, रियल फोर, रियल एट और रियल टेन। आपने कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को एज अ वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है जब तक अगर कोई भी मैनिपुलेशन से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन इन सबसे पहले, तो वो आप जो भी वेरिएबल में स्टोर किया होगा तो उसकी डेटा टाइप आपके पास बाइट, एस बाइट, डी बाइट और वर्ड ये सब नहीं हो सकती, ठीक है? आपके पास उसके लिए डेटा टाइप्स हैं रियल, रियल फोर, रियल एट और रियल टेन। रियल फोर आपको बता रही है कि 32 बिट है, ठीक है? रियल एट बता रही है कि ये 64 बिट मेमोरी है और रियल टेन आपको 80 बिट मेमोरी दे रही है। अब आपने ये देख लिया कि पुश करने के लिए आप एफ एल डी का इंस्ट्रक्शन और आगे कोई भी 32 बिट, 64 या 80 की मेमोरी देंगे तो वो बता इस मेमोरी के अंदर जो भी स्टोर होगा उसको पुश कर देगा स्टैक में। इसी तरीके से आपने जब पॉप करना है तो पॉप करने के लिए आप एफ एस टी पी, ठीक है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक और पॉप, एफ एस टी पी का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है, लास्ट इन जो हुई है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है, तो स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू होगी उसको पॉप करके आपके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ये दो चीज़ें देखी हमने। ये देखा कि हम अगर हमारे किसी भी इंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम शो एफ पी यू स्टैक करेंगे तो हमें इंडेक्स वाइज हमें स्टैक पूरा दिखा देता है विजुअलाइजेशन के आपकी क्या स्टैक के अंदर वेरी वैल्यूज हैं। ये हमने प्रैक्टिकली भी देखा। अगर हमने ये कोई ये इसने स्टैक के अंदर हमें शो एफ पी यू स्टैक के अंदर दिखा दी, ठीक है? तो शो एफ पी यू स्टैक आपको पूरा स्टैक आपका दिखा रहा होता है कि उसके अंदर क्या क्या वैल्यूज हैं, किस इंडेक्स के ऊपर स्टोर्ड हैं, टिल द लाइन आपने ये चीज़ लिखी है उस टाइम तक कि क्या, ठीक है? और उसके बाद हमने जो वैल्यू ये देखे हैं ऑपरेशन, ये है एक रीड फ्लोट का देखा है। रीड फ्लोट क्या कर रहा था कि स्टैक जीरो के ऊपर वैल्यू स्टोर कराता है और रीड फ्लोट करके यूज़र से इनपुट लेता है, जैसे रीड इंटीजर, राइट इंटीजर वाला काम होता है, रीड कैरेक्टर, राइट कैरेक्टर, रीड हेक्सा, राइट हेक्सा वाला काम होता है। इसी तरीके से रीड फ्लोट होता है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू की सिर्फ रीड करता है, ठीक है, और आपके पास पुश कर देता है आपके स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर, ठीक है? जैसे ई ए एक्स रजिस्टर के अंदर हम रीड इंटीजर करते हैं तो ई ए एक्स रजिस्टर में आता है वैल्यू हमारे पास, और रीड फ्लोट करते हैं तो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टैक के जीरो इंडेक्स के ऊपर आती है, ठीक है, इस इंडेक्स पर। और राइट फ्लोट जब करते हैं तो स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है
वो उसको कंसोल की स्क्रीन के ऊपर आपके सीएमडी के ऊपर शो करवा देता है। ये यहाँ पे लिखा भी है राइट फ्लोट राइट्स द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक जीरो टू द कंसोल विंडो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके ही रीड और राइट की हम एग्जांपल्स भी देख लेंगे, ऐसी एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर रीड फ्लोट भी आ रहा हो, राइट फ्लोट भी आ रहा हो। और अच्छा, ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे कि जो आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पर, कि इट लोड्स द वैल्यू फ्रॉम मेमोरी इनटू द रजिस्टर स्टैक, परफॉर्म कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जो परफॉर्म हो रही होगी वो स्टैक के अंदर ही हो रही होगी। यानी कि हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम कोई सोर्स और ऑपरेंट होते हैं हमारे पास, हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है सपोज ऐड का, और मैंने यहाँ पे मेरे पास सपोज ईएक्स रजिस्टर के अंदर आपके पास है 5, ठीक है, और ईबीएक्स के अंदर है, ये हम वैसे लिख रहे हैं, ये सिंटेक्स नहीं है इसको लिखने का, मैं वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐड ईएक्स कॉमा ईबीएक्स, क्या होगा, हमारे पास 5 और 7 ऐड हो जाएंगे, ठीक है, 5 और 7 ऐड होंगे। पहली चीज क्या बनेगा हमारे पास, बनेगा 12, ठीक है। और 12 के अंदर क्या होगा कि 12 स्टोर कहाँ होगा, एड ई ए एक्स कॉमा ई बी एक्स, मतलब कि 5 ऐड हो जाए किसी साथ 7 के साथ, या 7 ऐड हो जाए 5 के अंदर। इसको इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि ये 7 ऐड हो जाए 5 में। तो अब हमारे पास, हम ई ए एक्स को जब वो करेंगे राइट, तो हमारे पास क्या आएगा 12। अब ई बी एक्स को अगर करेंगे तो वो हमारे पास उसमें नहीं होगी, उसमें तो 7 ही वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है, जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की वो सोर्स और डेस्टिनेशन इसके अंदर देखी जाती है। सोर्स ये है, यानी कि 7 ऐड हो रहा है किसके अंदर, डेस्टिनेशन में ई ए एक्स में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ने याद रखना है कि सोर्स से डेस्टिनेशन में अगर हम ऐड करा रहे हैं तो डेस्टिनेशन क्या होती है, ये लेफ्ट वाली, जो कि आपके ये निमोनिक है ऐड सबट्रैक्ट एक्सचेंज जो भी इसके साथ वाली, ठीक है। जो ये आपके लेफ्ट के ऊपर वैल्यू होती है, ये आपकी डेस्टिनेशन होती है, ये सोर्स होती है। तो जब भी आपकी वैल्यू ऐड हो रही है तो वो आपके डेस्टिनेशन में जाके ऐड होती है। इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसकी 7 ही रहेगी। इसकी जो है पहले 5 थी, जब ऐड परफॉर्म किया तो इसकी 12 हो गई। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन ई एक्स ई बी एक्स थी, वैसे अगर हम ऐड का परफॉर्म करेंगे, यानी यहाँ पे एफ ऐड गिवन है, एफ सब गिवन है, एफ मल गिवन है, एफ डिवाइड गिवन है, ये सारे फ्लोटिंग के ऊपर, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। फ्लोटिंग इसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन क्या होगी, इसके अंदर हमारे पास कोई भी जो वेरिएबल है जो हमने रियल 4, रियल 8 या रियल 10 टाइप का लिया हुआ, वो हमारे पास क्या होगी, सोर्स होगी, उसको हम ऐड करवा रहे होंगे। और डेस्टिनेशन क्या होगी, डेस्टिनेशन होगी स्टैक का जीरो इंडेक्स, ठीक है। डेस्टिनेशन होगी स्टैक का जीरो इंडेक्स, यानी कि अगर मैं एफ ऐड करता हूँ, एफ ऐड वेरिएबल 1, और वेरिएबल 1 के अंदर सपोज 5 रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल 1 = 5 रखा हुआ है, ठीक है। और पहले से स्टैक जीरो के अंदर क्या है, सपोज 2 है, ठीक है, मैं एफ ऐड वेरिएबल 1 करूंगा तो क्या होगा, स्टैक जीरो पे जो भी वैल्यू है, जैसे कि 2 है, ये यहाँ से 2 की बजाय हो जाएगी 7, क्योंकि ये इसमें जाके ऐड हो जाएगा। और डेस्टिनी अभी भी अगर हम वेरिएबल 1 को आउटपुट करेंगे तो ये इसके अंदर 5 ही होगा, लेकिन स्टैक जीरो के अंदर ये जाके ऐड हुआ, तो इसकी डेस्टिनेशन क्या है, स्टैक जीरो। तो चेंज किसमें आ रहा होगा, डेस्टिनेशन स्टैक जीरो, ये 7 हो जाएगी। ये जैसे हमारे पास जनरल पर्पस ई एक्स ई बी एक्स में हमने ऐड करके देखा तो क्या हो रहा था, ई एक्स में आउटपुट आ रहा था, वैसे यहाँ पे इसके डेस्टिनेशन होती है स्टैक जीरो, ठीक है।
ये जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि ये चेंज साइन, जैसे हमने लास्ट लैब में भी देखा था कि एक NEG यानी निगेट का ऑपरेशन था जो कि चेंज साइन कर रहा था, यहाँ पे हमने साइन चेंज करना है तो हम FCHS यानी कि चेंज साइन करेंगे। ये कम ही यूज हो रहा होता है, मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं एफ एड, एफ सब, ठीक है, एफ मल, एफ डिवाइड। तो ये क्या कह रहे होंगे, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक के ऊपर एड या सब्ट्रैक्ट, ये सारे यूज कर रहे होंगे। तो इनको भी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर एफ एड एफ सब के बाद एफ सब आर भी है, ठीक है, एफ डिप आर भी है। एफ डिप आर क्या हो रहा है, यहाँ के पास लिखा हुआ है, जैसे एड है तो एड सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो इसमें से तो एड के अंदर तो आपको पता है कि आप फाइव में फोर ऐड करें या फोर में फाइव ऐड करें, बात एक ही, लेकिन जब सेपरेट कर रहे होते हैं तो साइन चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ सब अगर आप सोर्स से डेस्टिनेशन कर रहे होंगे तो अलग चीज़ है, और डेस्टिनेशन में से सोर्स करना चाह रहे हैं तब अलग है। तो आप जब अगर सोर्स में से डेस्टिनेशन करना चाह रहे हैं सब, तो आप सिंपल एफ सब लिखते हैं जैसे हम पहले कर रहे थे। अगर आप चाह रहे हैं डेस्टिनेशन में से सोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाए तो आप एफ सब आर कर दें, इसी तरीके से डिवीजन में एफ डिफ आर कर दें अगर आप सोर्स में से डेस्टिनेशन करना चाह रहे हैं। ये जब आप लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। इसकी भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऐड करके पहले देख लेते हैं, ठीक है, के अंदर रियल फोर टाइप का ले लिया और अनइनिशियल रखा, ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फोर के अंदर गया, मेन प्रोसीजर के अंदर हमने क्या किया, यूजर से एक इनपुट ले लिया कॉल रीड, कॉल रीड फ्लोट किया और शो एफ स्टैक किया, चेक कर लिया कि हमारे पास वैल्यू आई है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, पहले तो इतना ही रन करके देख लेते हैं, यूजर इनपुट के ऊपर हम एडिशन सब करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ किया तो ये वैल्यू स्टोर हो रही है एफ पी स्टैक, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एफ एड, हमने जैसे देखा कि हम सोर्स को डेस्टिनेशन में ऐड करते हैं तो हमने एफ एड क्या किया, वैल्यू वन, वैल्यू वन में क्या है 1.1, ठीक है, 1.1। अब ऐड कहाँ होगी, जाके स्टैक के जीरो इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है, यूजर इनपुट। सपोज यूजर इनपुट 2.2 है, ठीक है, और एफ एड वैल्यू वन, 1.1 ऐड हो गया उसमें, तो वो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा स्टैक जीरो के अंदर, 3.3। अगर इसको कर देता हूँ कॉल शो एफ पी यू, सर रियल फोर क्या काम करता है, अक्षर आप मेरे ख्याल से स्टार्टिंग ऑफ द लैब से शायद नहीं है, क्योंकि ये हमने स्टार्ट में भी और बीच में भी ब्रेक के बाद भी दो तीन दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया है कि रियल फोर आपकी डेटा टाइप है। ये जब भी आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज़ कर रहे होंगे तो आपके पास या तो रियल फोर या रियल एट या रियल टेन यूज़ हो रही होती है। रियल फोर बताता है कि ये एक 30 बिट्स की मेमोरी है, यानी कि एट एक एक बाइट जो है वो 8 बिट पे होता है, तो 4 बाइट कितने पे हुए, 32 पे। तो ये रियल फोर 32 बिट की मेमोरी है। इसी तरीके से रियल एट जो है वो 64 बिट की है और रियल टेन हमारे पास 80 बिट की है, कि 8 × 10 आप कर दें तो रियल टेन 80 बिट की मेमोरी है। तो रियल फोर आपको बता रहे हैं कि ये 32 बिट की मेमोरी आपको यहाँ पे असाइन है, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे शो एफ पी यू स्टैक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपने यूज़र इनपुट लिया, अच्छा यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कॉल रीड फ्लोट,
यहाँ पे हमने रीड फ्लोट से इनपुट दिया 5.5, इसने बताया कि स्टैक के अंदर आ गया 5.5 आपके, ठीक है, शो एफ क्यू स्टैक से। फिर इसने क्या किया, एफ एड वैल्यू वन, वैल्यू वन क्या थी 1.1, इसने 1.1 को कहाँ ऐड किया जाके, स्टैक के जीरो इंडेक्स पे, तो क्या हो गया 6.6, 5.1 = 6.6, तो ऐड होके भी ये स्टैक के जीरो इंडेक्स पे वैल्यू आ गई। अब मैं चाहूँ तो इस वैल्यू को मैं दोबारा से कहीं स्टोर कर सकता हूँ, इसको इस सम के अंदर स्टोर कर दूँ। तो जब भी हमें कोई भी ऑपरेशन ऐड सबट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा तो उसमें हमारे पास एक वैल्यू जो ऑपरेटर है या ऑपरेंड है या सोर्स या डेस्टिनेशन, वो स्टैक के जीरो इंडेक्स को होना लाजमी है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम दो वेरिएबल्स को ऑपरेट करवा दें, ठीक है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के अंदर ये चीज़ लाजमी है। बाकी आप कोई इंटीजर वैल्यूज के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, उसमें आप जैसे चाहे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यूज कर रहे होंगे, एफ पी यू स्टैक यूज कर रहे होंगे, तो आपने ये इसी तरीके से परफॉर्म करना है। अब आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हमने देखा था इंस्ट्रक्शन कि हमें पॉप करना हो तो हम क्या करते हैं, एफ एस टी पी, ठीक है, एफ एस टी पी किया हमने और उसको स्टोर कर दिया सम के अंदर। इन दोनों का सम जो है वो स्टैक जीरो पे है, तो एफ एस टी पी को हमने सम में स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर हमने कॉल शो एफ पी यू स्टैक कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये आया, इसमें ऐड हुआ 6.6 और सेक, फिर हमने इसमें से ये वैल्यू रिमूव करके सम में स्टोर करा दी। हम सम को दोबारा कभी पुश करके उसके और ऊपर सम के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ आ गई होगी कि हम किस तरीके से रीड फ्लोट कर रहे हैं या फिर हम किस तरीके से ऐड एफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा, इसी तरीके से एफ ऐड है, फिर एफ सब है, मल्टीप्लाई, ऐसी एक एग्जांपल कर लेते हैं कि जिसके अंदर जो है आपके पास ये सारी ही चीज़ें कवर हो जाए। इसको करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ आपके पास एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और गिवन है, ये क्या कह रही है, ये है फिनिट। ये इतनी कॉमनली यूज नहीं है, आप लोग ना भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लें। ये आपको कह रही है कि फिनिट क्या कर रही है, ये इनिशियलाइज कर देती है आपका जो भी स्टैक, किसी भी सपोज हमने ये सारी ऑपरेशन परफॉर्म की है, ठीक है, अब इसके अंदर ये वैल्यूज रखी हैं, अगर मैंने और ऑपरेशन परफॉर्म किए होते स्टैक 1, 2, स्टैक 10 तक या जहाँ तक भी, इसके ऊपर मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास आ रही होती, स्टैक 5, 6, 7 तक सारी वैल्यूज आ रही हैं 0 से। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरे स्टैक दोबारा से सारा मुझे पॉप ना करना पड़े, हर उसको स्टैक 0 से इनिशियलाइज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा फिनिट, मैं जैसे ही फिनिट का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, फिनिट लिखूँगा जिस लाइन में, तो उसके नेक्स्ट लाइन पर जब मैं जाके इसको चेक करूंगा तो स्टैक हमारा 0 से इनिशियलाइज हो चुका होगा, फिर मैं दोबारा उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये फिनिट जो है इतना कॉमनली यूज नहीं है, फिर भी आप लोग इसको देख लें, ठीक है। अब एक एग्जांपल हम ऐसे ही कर लेते हैं जिसके अंदर हम सारे, मैं पहले एक कोड लिख देता हूँ उसके बाद आप लोगों को उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है, कि उसमें क्या काम हो रहा है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये समझ आ ही जाएगा आप लोगों को। अच्छा, मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि अगर हम जैसे ऐड करवा रहे हैं, अभी हमने ऐड का एक ऑपरेशन परफॉर्म किया ये वाला, ठीक है, तो ये सम किया, तो मुझसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा। अगर आप लोगों को ये चीज़ एक टॉपिक समझ आ रहा है तो ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा कि अगर हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या एफ पी यू स्टैक के अंदर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करें तो वो क्या स्टोर हो जाएगी ये नहीं हो जाएगी, क्योंकि मुझसे पिछले दूसरे एक सेक्शन में स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर ये फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक के अंदर अगर हम इंटीजर वैल्यू सपोज 5 स्टोर करना चाहें तो क्या हो जाएगी, या अगर हम चाहें कि हमारी जो भी वैल्यू है, एक वैल्यू हमारे पास इंटीजर हो और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो, तो अगर हम उन दोनों को ऐड करवाना चाहें तो क्या वो हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, तो उसका आंसर है कि बिल्कुल हो जाएंगी। उसके लिए आपके पास जैसे आप एफ ऐड करते हैं, अच्छा एफ ऐड तो एक अलग चीज़ है, आप जैसे कोई भी वैल्यू लोड करवा रहे हैं जो कि फ्लोटिंग पॉइंट है, तो आप क्या करते हैं एफ एल डी, ठीक है, एफ एल डी
और फिर आपने कर दिया वैल्यू वन, ठीक है। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करूँ, मैंने यहाँ पे सपोज ले ली एक वैल्यू नंबर वन, ठीक है, डी वर्ड इंटीजर वैल्यू आएगी, उसमें टू दे दी मैंने, ठीक है, ये देखो नंबर वन डी वर्ड टू। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको स्टोर कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा एफ आई एल डी, जैसे मैं एफ एल डी कर रहा था, मैं क्या करूंगा इंटीजर वैल्यू है तो मैं बीच में आई लगा दूंगा, एफ आई एल डी, और आगे क्या होगा इसके, मैंने दे दिया नंबर वन, सबको मैं हटा दूंगा, तो एफ आई एल डी नंबर वन। नंबर वन में क्या है, सिर्फ टू है, कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं मूव के ऑपरेशन से नहीं कर सकता, मुझे इसको एफ आई एल डी एफ एल डी किया। अब मैंने क्या किया, कॉल ये मेरे पास इसी टू को एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि 2.0 करके स्टोर कर देगा, ये देखिए, ये देखिए 2.0 करके इसने स्टोर कर दिया स्टैक। अब मैं चाहूँ कि मैं इसी के अंदर ऐड का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लूँ, तो वो भी हो सकता है। मैंने कहा एफ एड वैल्यू वन, उसके बाद मैंने क्या कॉल जब ये रन किया तो आपने देखेंगे कि यहाँ पे ये टू था, टू के बाद इसमें ये ऐड हुआ 1.1, तो ये हो गया 3.1, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहे तो इंटीजर और फ्लोट की एडिशन सब्ट्रैक्शन करा सकते हैं। एलडी से आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को पुश कर रहे थे या लोड कर रहे थे, तो एफ आई एल डी से आप फ्लोटिंग, सर एफ आई एल डी क्या है, अभी तो आप लोगों को बताया कि एफ आई एल डी क्या है, एफ आई एल डी जो है वो आपके पास इंटीजर वैल्यू को लोड कर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक के अंदर इंटीजर वैल्यू को लोड कर रहा है, एफ से फ्लोटिंग, अगर इस तरह याद रखना है तो एफ से फ्लोटिंग पॉइंट आपके पास रजिस्टर है, स्टैक है, आई से इंटीजर वैल्यू है और एल डी से लोड है, तो वो लोड कर रहा है, ठीक है, फ्लोटिंग रजिस्टर के अंदर, फ्लोटिंग स्टैक के अंदर इंटीजर वैल्यू को लोड कर रहा है एफ आई एल डी, ठीक है। और एफ एल डी से क्या हो रहा है, सिर्फ आपके पास फ्लोटिंग रजिस्टर के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपके पास क्या है कि आप सर स्ट्रिंग ले सकते हैं, स्ट्रिंग कहाँ से आ गया बीच में, स्ट्रिंग तो आप अगर कोई स्टैक यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप सही है स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप कोई वेरिएबल ले रहे हैं जनरल पर्पज़ वहाँ पे आप स्ट्रिंग ले सकते हैं। यहाँ तो बात ही सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज़ की हो रही है, यानी कि जहाँ पे पॉइंट आ रहा है, तो उसमें स्ट्रिंग कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। अच्छा अच्छा, आप एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिसके अंदर ये सारी रीड रीड फ्लोट राइट फ्लोट सब यूज हो जाए और साथ में इसमें सब वगैरह सब मैं ले लेता हूँ वैल्यू, ठीक है, मैंने ले लिया रियर फोर टाइप का, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, मैं दो यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, और दोनों के ऊपर जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, उन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर परफॉर्म कर देता हूँ, ठीक है, और दोनों यूज़र इनपुट होंगी, ठीक है। अब मैं इसमें आंसर ले लेता हूँ एक, ठीक है, ये आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये मैं एक दफ़ा कोड कर दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है, क्या मैं मैसेज वन ले लेता हूँ टाइप का, ठीक है, जो कह रहा है कि एंटर फर्स्ट